गरिमा आने वाली है या नहीं? आप मुहूर्त का समय हो ही रहा है, अब मुहूर्त तो किसी का इंतजार करता नहीं है, तो सगुन की रस्में शुरू करें। ठीक है मनोरमा, शुरू कर दीजिए। का कल होगा, और हाँ, हल्दी के बाद लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते। ग्रेट, तो मैं एकदम सही टाइम पे आया हूँ। Nanav, तुम आ गए? That's great, हाँ? एकदम right time पे आए हो तुम। You naughty boy. अर्णव, हमने आपको शगुन में आने से मना किया था ना? ये रिवाज है। Right, दादी। आपने कहा था कि मैं शगुन के लिए यहाँ नहीं आ सकता। तो शगुन तो आपने दे दिया। इसका मतलब मैं यहाँ रह सकता हूँ, राइट? और अभी अभी आपने कहा कि मैं और खुशी हल्दी के बाद नहीं मिल सकता, और हल्दी को अभी टाइम है, सो टेक्निकली मैं आपकी कोई बात नहीं टाल रहा हूँ, राइट? वाओ नन्नफ, गुड आर्गुमेंट। हाँ, खुशी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। Excuse us, हम अभी आते हैं। ये भी कोई रस्म है क्या? अर्णव इतनी बदतमीजी से कैसे बर्ताव कर सकता है? सुभद्रा, सुभद्रा रहने दीजिए। और नहीं तका, चाय दो दादी जी। 6 महीने से रूममेट रह चुके, अब 1 मिनट से कौन बड़ा तूफान आने वाला है? किसी भी रीति रिवाज का ख्याल नहीं इन्हें। हल्दी के बाद दादी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, छोटे और खुशी जी हल्दी के बाद नहीं मिलेंगे। क्या कर रहे आप? आपने देखा नहीं दादी जी को कितना गुस्सा आ गया? हमने कहा ना आपसे, आप यहाँ नहीं आ सकते। मैंने भी कहा ना तुमसे, कौन रोकेगा मुझे? अर्णव सिंह रायसा था, खुशी कुमारी गुप्ता से। व
What? अभी सिंह रायजादा बनने में देरी है, आज तो सिर्फ शगुन मिला है, कल रोका है। रोका मतलब? मतलब मतलब कल हम एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएंगे। रिंग पहनाने से क्या होता है? That's ridiculous. बिल्कुल नहीं, हर चीज का एक मतलब है। और अंगूठी इस उंगली में पहनाई जाती है क्योंकि इस उंगली की नस सीधे दिल तक जाती है। एक बार बात दिल तक पहुंची तो समझिए कि हम आपके हो गए। Really? मतलब तुम अभी मेरी नहीं हो? हम तो आप ही के हैं। लिख बोलना क्या सीख लिया, हमें ही चुप करा देते आजकल। अब चलिए। नंदकिशोर, कल की रस्म से पहले हमें रक्षा धागा अन्ना बाबा की कलाई पे बांधे चाहते हैं। पर बुआ जी, आप तो हमारे छोटे को जानती हैं ना, वो इन सब रस्मों में विश्वास नहीं करते। हम समझे थे नंदकिशोर, ठीक है, कोनो बात नहीं, जैसी नंदकिशोर की इच्छा। अब हमें चलना चाहिए। नमस्ते। ओके गाइस, नो प्रॉब्लम, कल हम आप सबको धोखे में मिलेंगे। ओके इनके भाई, धोखा नहीं, रोका। ओके सॉरी, रोका रोका। पता है सनका देवी, हमरा बहुत मन था कि ये रस्सा धागा अन्ना बबुआ की कलाई पे बांध दे, लेकिन बुआ जी आप तो जानती है ना। हाँ, लेकिन बंधवाए लेते तो कोनो तूफान तो नहीं आ जाता ना, है कि नहीं? बुआ जी आप जानती है ना, अर्नब जी आप सबसे कितना प्यार करते हैं, आप सबकी कितनी इज्जत करते हैं, क्या इतना मान काफी नहीं है? और वैसे भी उनका इन सब चीजों में विश्वास नहीं है तो जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा ना। हाँ नंदकिशोर, बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, और वैसे भी भैया वो बहुत सनकी भी है और उनका बचाव कर रही है हमारी महासनका देवी। कहे जब पहली बार बचाव किया रहा तो अम्मा का थप्पड़ पड़ा था, अब फिर बचाव कर रही हो तो सोच लो। बहुत इश्क करती हो ना? अरे थैंक यू। बाय बाय।